हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 50 घंटे के बाद व्यक्ति की मौत, FIR दर्ज। मुंबई के साकिनाका इलाके में एक कारोबारी की हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 50 घंटे के बाद डेथ हो गई। इस घटना से डॉक्टर भी हैरान है। कहा जा रहा है मौत का कारण ड्रग रिएक्शन है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई के साकिनाका इलाके में एक व्यक्ति जो कि 43 ईयर्स यानी कि 42 साल का था, उसने 5 लाख रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया अपना चिंच पोगली से, और उसने तकरीबन 9,500 ग्राफ्ट लगाए। कैन यू इमेजिन, 9,500 ग्राफ्ट लगाने के बाद उसको कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। 2 दिन के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वो दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा तो जितने भी वहां पे फिजिशियंस थे उन्होंने डायग्नोस किया उनको और पता लगाया कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो 2 सिम्टम उनको दिखाई दिए वो ये कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। और कुछ देर बाद उस व्यक्ति के चेहरे पे और गले में सूजन आ गई और उसके बाद उनकी जांच कराई गई, लेकिन सुबह होते होते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो आइए जानते हैं क्या हो सकती है उनकी मृत्यु की वजह। तो हीरानंदा ने अस्पताल में श्रवण का इलाज कर रहे एक फिजिशियन ने बताया कि जब उनको यहाँ पे लाया गया तो वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे थे। फिजिशियन ने बताया कि आमतौर पर पेन किलर्स या अधिक ड्रग डोज देने से इस तरह के रिएक्शन होते हैं। साथ ही कभी कभी खाली पेट पेन किलर खाने की वजह से इस तरह के रिएक्शन हो जाते हैं। और डॉक्टर ने भी बताया कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत हेयर ट्रांसप्लांट मरीजों को पेन किलर और एंटीबायोटिक दी जाती हैं। और चेहरे की सूजन के बारे में उन्होंने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के समय सेलाइन वाटर हेयर ट्रांसप्लांट में इंजेक्ट किया जाता है। ऐसे में अगर मरीज पेट के बल लेटा हो तो सलाइन वाटर उसके चेहरे तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर सूजन आ जाती है। श्रवण की मौत के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैरान है। अब इस मामले में पुलिस ने एक्सीडेंटल थ्रेड का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों बताइए आपको मेरी स्टोरी किस तरीके की लगी। अगर आप इसी तरीके की स्टोरी और जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसी तरह की स्टोरीज आपके लिए लाता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। बाय।